السلام عليكم، كيفاش راكم؟ لو كوميت تنكاب زيت من نتش تجاوب من خير تو من ملي غاتو لي ديشي لي كي ما عادش كوي جارو تو جنا سكولي تلقى क्या होने वाला है कॉन्टेक्स्ट तो देने दें। तो भाई मेरे स्कूल में है 14 अगस्त का कॉन्सर्ट, वो 13 अगस्त को, क्योंकि 14 अगस्त को छुट्टी है, यानी कि कल या आखिरी आज पता नहीं। तो अब कॉन्सर्ट हो मेरे स्कूल में और मैं सिनेमैटिक्स ना बनाऊँ तो भाई आप जो हैं 14 अगस्त कॉन्सर्ट इन बीगन हाउस की सिनेमैटिक्स चेक करें, अच्छी लगें तो लाइक मारें, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी इधर से या आखिरी तक जाएं, वहाँ पे आपको इधर दिख जाएगी, सही है। अब सिनेमैटिक्स देखने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा पैगाम पहुँचाना चाहूँगा। अबे जा तुम क्या पैगाम पहुँचा दोगे बेटा, द यूथ इज़ ग्रोइंग, आपको नहीं पता ना, चुप रहिए बस आप। तो खैर सिनेमैटिक्स देखने से पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे है, सही है। अब हमें तो बस नॉर्मल एक इंडिपेंडेंस डे चलो सही है, सेलिब्रेट कर लेते हैं आज़ादी। लेकिन मैं जब ओलेवल्स में आया, हिस्ट्री पढ़ी मैंने, तो कायदे आज़म ने, हमारे लीडर्स ने बहुत मेहनत की थी जब जाके हमें ये हिस्सा मिला, हमें आज़ादी मिली, हमें हमारी अपनी स्टेट मिली, और बहुत हार्ड लगता बहुत, और उन्होंने इतना वर्क हार्ड किया, मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया था जहाँ पे लोग जो हैं होप लूज़ करने वाले थे, लेकिन कायदे आज़म ने होप रखा और आज देखें पाकिस्तान अलग है, एक आज़ाद कंट्री है। तो अल्लाह का शुक्र करें कि एक आज़ाद कंट्री में आप लोग, और झंडों को ज़मीन पर गिरने ना दें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बस अब बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉक हो गया, तो बस आप सिनेमैटिक्स देखें और उसके बाद फिर बात करते हैं। पैट्रियोटिज्म के साथ अपना इंडिपेंडेंस डे मनाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए। तो भाई मैं हूँ, असल में मेरा बैग मैंने सेट किया था कि पीछे अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन बैग तो आ नहीं रहा था, लेकिन मैं एकदम से डर गया, वो बैग नीचे गिर गया, मुझे लगा पता नहीं कौन क्या आ गया, खैर ये एक ग्रुपर हो गया। खैर मैं जो ये बोल रहा था कि आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए, यहाँ बाल क्यों हो, आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने अपना इंडिपेंडेंस डे कैसे बनाया, और मैंने थोड़ी सी नई टेक्निक डाली अपने ब्लॉग्स में, तो बताइए ये भी कैसी थी, सही है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।